नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पिछले कुछ समय से भारतीय सिनेमा कुछ ऐसे ही असाधारण नायकों की कहानियां कह रहा है, जिनकी उपलब्धियों से समाज, इंसानियत और देश को एक दिशा मिलती है और एक नया प्रेरणा स्रोत हासिल होता है। ऐसी ही एक असाधारण कहानी है मिशन मंगल की। अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, निथ्या मेनन, शर्मन जोशी और एच जी दत्तात्रेय की फिल्म है मिशन मंगल, जो कि 15 अगस्त के दिन नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये सभी लोग इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये कहानी है राकेश धवन की, जो इसरो में एक वैज्ञानिक है। राकेश की GSLV C-39 प्रोजेक्ट के तहत रॉकेट भेजने का जिम्मा दिया जाता है, मगर मिशन असफल हो जाता है। ऐसे में उनका तबादला कई सालों से बंद पड़े मिशन मंगल डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है एक दूसरी वैज्ञानिक, तारा शिंदे से। तारा भी काफी समय से इस डिपार्टमेंट में है। एक दिन अचानक तारा को होम साइंस के आधार पर अंतराल में रॉकेट भेजने का एक आइडिया मिल जाता है। किस तरह से मिशन प्रतिरोधों के बावजूद पूरा होता है, किस तरह यान बनाया जाता है और किस तरह ये यान भेजा जाता है, इसी पर आधारित है मिशन मंगल। निर्देशक जगन शक्ति ने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन प्ले में ढाला है। एक्टिंग की बात करें तो राकेश धवन के रोल में अक्षय कुमार पूरी तरह से जचे हैं और अपने डायलॉग से वो दर्शकों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिल्म मिशन मंगल को अच्छी रेटिंग मिल रही है और शायद ये भारत की पहली साइंस फिक्शन मूवी भी है। ज्यादा जानकारी के लिए और बॉलीवुड की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।